इंद्रिय इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया है। क्या यह सब आसान होगा? हरगिज नहीं। जब मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, गिराई जाएगी तो कमजोर और बिखरे होने के बावजूद तमाम मुसलमान उठ खड़े होंगे, चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो या देवबंदी हो, अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोईयां मौजूद हैं कि वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में आता है कि उस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि जमीन लाशों से भर जाएगी। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होंगी। हत्ता के वो थक कर गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। प्यारे दोस्तों, ये जंग हर सूरत में होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मजाहिब की किताबों में हर्मजदोन, आर्मागेडन, हत्ता के हिंदुओं की किताबों में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलकों में उलझे हुए हैं या उनको अयाशियों, बदमाशियों और फिरका परस्तियों में उलझा दिया गया है। आज पाकिस्तानी कौम को देखिए, मजहबी जमातों के आपस के मोमिन और काफिर के झगड़े चल रहे हैं। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सब के सब मीडिया और बेहयाई की तरफ गामजन है। मेरी कौम को इन चीजों में उलझा कर दीन से दूर करके ये लोग अपने असल मिशन पर पूरी तवज्जो से काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइए।